अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग का फिर चला कानूनी हंटर। उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने दो ओवरलोड ट्रकों समेत एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। वहीं क्रॉस चेकिंग के दौरान एआरटीओ अलीगढ़ रेंज ने भी एक ओवरलोड ट्रक पकड़ा। सभी वाहनों पर 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर आज सुबह सुबह कानूनी हंटर चलाया गया है। उप संभागीय परिवहन अधिकारी उमेश कुमार सिंह ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के पास बालू से लदे दो ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा है। साथ ही एक पिकअप गाड़ी भी पकड़ी गई है, इस पर सरिया लदा हुआ है। तीनों वाहनों के संचालकों से जब जरूरी प्रपत्र मांगे हैं तो वो जरूरी प्रपत्र नहीं दिखा पाए हैं, लिहाजा तीनों वाहनों पर 1,70,000 रुपये के आसपास का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही सुबह सुबह क्रॉस चेकिंग के दौरान अलीगढ़ रेंज के एआरटीओ अभिनय कुमार ने भी एक भिटारा के पास ओवरलोड बालू ट्रक को पकड़ा है, उस पर भी लगभग 85,000 के आसपास का जुर्माना लगाया है। यानी कि क्रॉस चेकिंग और सघन चेकिंग दोनों आज सुबह सुबह जालौन कोतवाली क्षेत्र में किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 ओवरलोड जो है वाहन पकड़े गए हैं, यानी 3 बालू से लदे हुए हैं और एक इसमें सरिया लदा हुआ है। तीनों को कुल मिलाकर 2 लाख से ऊपर ये जुर्माना भी है। यानी कि साफ संकेत है कि जनपद जालौन में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर अब प्रशासनिक हंटर जो है काफ़ी तेज़ी से चलने लगा है।